से, जोर से बोल। कब्रिस्तान से। कहाँ से लाए? शमशान से। कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान से। औरत लाई आदमी लाया? आदमी। चल लगा, पूरी ताकत लगा के बोल। पंखे की स्पीड कम कर रहे, पूरी ताकत लगा और जोर से। आदमी लाया। आदमी लाया। क्या दुश्मनी थी वो? इसको खराब करना। क्या खराब करने वाले थे? इन्हें आगे बढ़ रहा था। हाँ, इसको खराब करना। अच्छा, तो क्या खराब कर रहे थे? क्या तकलीफा दे रहे थे उसको? इन्हें कारोबार कर रहा था इसको। हाँ, वो कारोबार नहीं चलने देना उनको। अच्छा, कारोबार को ठप कर रहे थे उसके। हाँ। क्या कारोबार था उसका? वैसा वो एक गाड़ी में हिस्सा रखता है। हाँ, गाड़ी में पार्टनर कह रहा था। हाँ हाँ, वो पार्टनर निकालना इसका। हाँ, और इसको आगे नहीं बढ़ने देना। हाँ, और दोनों की किरकिरा को गाड़ी में किसी पार्टनर निकाला, गाड़ी के पार्टनर की इसके साथ में झगड़े होके पार्टनरशिप टूट जाना। हाँ, ऐसा बोल के कर इसको। देखो भेजे। हाँ, तुझे कहाँ से? शमशान से। कब्रिस्तान से। कहाँ से पकड़ के लाए? कब्रिस्तान से। कितना टाइम हो रहा लाके इसके आंख में डाल के? अरे सर, क्या तकलीफ दे रहा था तू अंदर बैठ के? चलने नहीं दे रहा था। हाँ, और काम में ऐसी तकलीफ दे रहा था। क्या क्या तकलीफ आ दे रहा था? ये तकलीफ। क्या? ऐसे तड़पाना। हाँ, चलने नहीं दे रहा। उसका कारोबार चलने नहीं दे रहा था। सर, कौन से चलने? पैर से भी चलने नहीं दे रहा था इसको। हाँ। क्या करके डाला था उसके पैर में? मट्टी ले जाओ। अच्छा, उसके पैर की मट्टी ले जाओ, जादू करे। हाँ, और कुछ भी नहीं। मट्टी कहीं में खिलाए थे उसको लाके? डायरेक्ट जादू कर दिए। हाँ, अच्छा, कौन? औरत करी, आदमी करा? आदमी। इसका रिश्तेदार है, दोस्त है? रिश्तेदार में, दोस्त नहीं। क्या तो भी नाम है उसका? उसका नाम वो जिसके साथ पार्टनर कर रहा था। हाँ, उसके साथ उसका भी पार्टनर है। नाम क्या है उसका? जहीर है। जहीर है। कहाँ रहता? उन्हें कहाँ रहता? गोमिस रहता। अच्छा, ऐसा लोगों को परेशान कर रही रे। उसके साथ है। कौन है? और कौन? और गोमिस। क्या नाम है उसका? उसका नाम सज्जू है। जोर से बोल। सज्जू है उसका नाम। हाँ, सज्जू है। क्यों तो करे? दोनों ने मिलके क्या दुश्मनी थी इसके साथ में? क्या नाम है इनका? जलील। जलील। जलील से क्या दुश्मनी थी? अब्दुल जलील से क्या दुश्मनी थी? कुछ दुश्मनी नहीं। हाँ, खाली इसका पार्टनर निकालना। हाँ, इसको बर्बाद करना। वाह रे, क्या दुश्मनी हो रही है। ऐसे जलन बोलते इसको, हसद बोलते। कम बाप को बाप का रास्ता चल रहा तुम्हारे। तू कब मारा था? कितना टाइम हो रहा मर के? हाँ, कौन से गाँव के कब्रिस्तान से पकड़े थे? क्या पूछा? मैं जवाब नहीं, अभी जला दूंगा पूरा। हाँ, कौन से गाँव का? नाम? नाम कर्नाटक में। क्या नाम है वो गाँव का? मैं पैसे देकर करने लगा, गाँव का नाम नहीं मालूम। जादूगर को कितने पैसे दिए थे? 20,000। 20,000 फिर और दिए क्या बाद में? वो मांग रहा है और मंगरा। हाँ, लोग घर जला रहे थे ऐसे पैसे दे दे के। कमबख्तो, नालायक हो। और कुछ भी नहीं। छह बच्चे की अपने बाड़ी ने खुरप को खाने का है। और ऐसी तकलीफ है। क्या इतनी तकलीफ है? ये कुछ भी ऐसा घर में खाने में इतनी तकलीफ नहीं ऐसे करेंगे। और पूरा दबा बर्बाद कर दिए घर में, खाने को भी नहीं। और दिन से ज्यादा करा। और करा कहीं के वास्ते करा? ये गाड़ी पे जा रहा था। हाँ, इसको और गाड़ी को नहीं जाने देना उनको। और कर 7-1.5 साल से बैठ को थे। हाँ, तो जरा आज कम दिख रहा होगा। 2 ट्रिप का बच्चे ने तो और ज्यादा जोर कुछ भी नहीं। हाँ, और ऐसा कर रहा। हाँ, कमबख्त तेरा बाप का राज चल रहा। झगड़ लो उसको तेजी से, अंदर से काट के टुकड़े करेंगे उसके। और तेजी के साथ झगड़ो उसको, आग लगाएंगे उसके अंदर तेजी के साथ में। बाद में उन्हें भी मिला, इसके साथ जो पार्टनर था उन्हें भी मिला। उन्हें मिल गया सो। उन्हें मेरे को। हाँ, तीनों मेरे को। वहाँ पैसे मेरे को करे। फिर इसको मार देना चाह रहे हैं क्या? है इसको बर्बाद करने वाले। अब्दुल जलील को क्या कर रहे हैं तुम लोग? पूरा तड़पा तड़पा मारने वाले क्या? मारने वाले नहीं, खाली ने बर्बाद होकर कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, फिर उसकी हालत गई घसर गई वैसी। हाँ बेवकूफ समझ रहा, कम बखत मार मार के भस्म करूंगा पूरा। सही सही बता, जबान काटूंगा तेरी। सही बोला। फिर उसकी जान कब लेने वाला था तू? जान नहीं लेने वाला था। उसको गला गला के क्यों गला दिया? फिर गला रहा था खाली, उसको काम नहीं करने देना, तकलीफ होना इसको। घर में मियाँ बीवी में झगड़े भी लगा रहा था। हाँ। और बच्चों को मारने लगा रहा था उसके हाथ से। बच्चा को नहीं है। हाँ, मियाँ बीवी में झगड़े लगा रहा था। अच्छा, और उसके क्या साथ में दूसरे लोग आने वाले थे, उनके ऊपर भी जादू करने वाला है क्या वो सब लोगों पे? नहीं, इतना मालूम तेरा खुद का, खुद कुछ इसका मालूम, तेरे जमील का मालूम। हाँ। अब्दुल जलील का। हाँ। ठीक है, उसको जकड़ो, उसको तेज एक साथ में जरा के राख कराओ, उसके अंदर से आग लगाओ। ये 7 साल का कर क्या? 7 साल से 7 साल का मतलब कर। हाँ, आप कैसा बोल रहा? सही। पहले क्या हो रहा था? कम वक्त मारने वाला नहीं है, अब 7 साल के बाद मार देने वाला है उसको। नहीं, मारने वाला नहीं, फिर 7 साल तक तड़पने वाला। 7 साल के बाद तड़पने के बाद खत्म हो जाता है, फिर मसला मर जाता। उन्हें मुद्दत पूरी हो गई तो ये खूब समझा रहे। कम वक्त मारो उसको, नाला है कुत्ते जैसे, आग लगाओ उसके अंदर। नहीं करता, नहीं करता, निकालना। जलाओ जलाओ उसको, और तेज जलाओ। छोड़ो मत उसको, जला दे रहो। उलही अलैहि मसताना फम मिन अल जिन्न फकालू इन्ना समीअ कुरानन नजब या हदी व रुशद फमन बिह ولن نشرك بربنا أحدا والله تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد وما كان يقول سقيم على الله شهادة وأن ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذيب وأنه كان رجال يعوذون برجال فأضعهم واحد وأنهم ظنوا كما ظننتم الله يرضى واحد علن يمسد واحد وأن لمسنا السماء فوجدنا موجة رطب شديدا وشهوبا ونقول نأخذ منها مخدا للسميع فمن يستمع الآن يجد شابا رأسا وأنا لا ندري شر وظلما في الأرض أمارات ربهم رشد أمارات ربهم رشد ومن صلنا من دون ذلك متقيد عذا ونظن المظلم في الأرض والنظر حارب ونظن سمين غلام النبيح فمن رب فلا يخبأ ثم ورحت وأنا من المسلمون من الخاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا شمسا حتى والله استقاموا على الطريقة لا يسخر من غدهم الكفر ومن يرزق رب المسعد والمسجد الله فلن الله أحد والمخام عبد الله يدقاد يقولون عليه لبعد قل إنما ربي ولو شرك لا تخذ الله من لم يرم رشد خذني لا ينزقني من والله إلا بلغ من الله ورسوله مثل رسوله إلا بلغ من الله ورسوله مثل رسوله إن الله يحمل خالد حتى إذا رحمته ودل محمد تكون قد الداعد قل لنادر يخرج مع بعضنا من يجعل الله ربي أعمل داعي والغيب فلا يزر الغيب أحد إلا أمن بغنا الرسل قلنا يكون من بينهم بيعلم قد له صواب ربهم وحاكم المصق بشيء مد عليه जलाओ उसके पेट में से भी आग लगाओ उसके। जलाओ उसके पेट में तेज जलाओ। इससे पहले कितने लोगों को मारा अभी तक? नहीं मारे। कितने इंसानों को मारा? सही से बोल। नहीं मारे। हाँ, नहीं मारे। ये था पहला शिकार। ये इसका वो मेरा उसका भी पार्टनर था और इसका उसका भी पार्टनर था, ये जरा अच्छा कर रहा था। इसलिए अब आगे बढ़कर मेरा पार्टनर ये होता तो इस कुकर को इसका पार्टनर हटा डाला, हटा डाल को इसको पूरा कमजोर करा, कमजोर करके पार्टनर को लेकर हर करा मैं। अच्छा बिलावत खाली है ना। हाँ लोग जिंदगी यहाँ से खराब कर दे रहा, क्या तेको क्या फायदा था उस पे जादू चला के? वैसा फायदा नहीं होता, ही नहीं आगे जाता वो, उसकी तरक्की नहीं होना, आगे नहीं जाना बोल के खा रहा। दूसरों का घर जलाने वाले वो खुद का भी घर जलता ना रे। ऐसी हसद जलन नहीं रखना ना, कम वक्त तो शैतान के साथियों मारो इन लाख और बन के तेरे साथ में। जला दे रहा उसको तेज इससे ही। चल बोल अब तेरे साथ क्या सुलूक करना, अब तेरे मार के तेरे दो टुकड़े करके जमीन में गाड़ने लगाना कि क्या करना, छोड़ना बोल जल्दी बोल। गलती है आपसे नहीं करता। हाँ गलती है आपसे नहीं करता, फिर करा सो डबल से अगर करेंगा तो डबल से नहीं करता। हाँ नहीं करता, बहुत ढूंढ ढूंढ को आए हाथ को कितने जगह फिरे, फिर इसी काम पे इसी जालों में नहीं करता हूँ, जाल नहीं करता ना लगाना वो करना और करने का करना। पाँव से तेरा क्या कर रहे थे उसके पैर को, क्या कर रहे थे तुम? पैर से चलने में आना नहीं, गाड़ी चलाना नहीं, फिर भी गाड़ी पकड़ा तो और जाने तकलीफ करना, जरूरत को जाने तकलीफ तकलीफ आया तो घर के अंदर वहाँ ले जाऊँ गाड़ा था मैं। क्या गाड़ा था? वो वहाँ से कर को लिया तो गाड़ा था। अच्छा किसके घर में गाड़ा था ले जाके? इसके घर में गाड़ा था तो उसके जगह में जलील के। हाँ कब गाड़ा था? ये 2 साल हुआ। चलो इसकी सारी तंत्र मंत्र क्रिया को जकड़ लो तेजी के साथ में और उतारे के अंदर मार मार के सारी शक्तियां खत्म कराओ और उल्टियां और जुलाब लगा के उसके नस नस में कहां कहां दवा छुपके बैठे सब बाहर निकाल के फेंको और मार मार के सारे तंत्र मंत्र को खत्म करो और उसके जादूगर को भी फटके देके खत्म कराओ तेजी के साथ में। क्या बोल रहे करेंगे दोबारा परेशान नहीं कर, हर जगह तो ऐसा बोल रहा, बोलते उनको 2 साल से बोल के परेशान करके डाला, बीच में बात मत करो, बोल के तूने परेशान करके डाला रे, काट देंगे इसके हाथ दोनों नहीं करता नहीं करता नहीं करता, जोर से बोल चीख मार, नहीं करता जोर से नहीं करता जोर से नहीं करता जोर से नहीं करता, गलती अब नहीं करता, ऐसा बोल रहा, बोलते हर जगह गलतियां हुए नहीं, इतने जगह झूठ बोला अब नहीं बोलता, नहीं बोलता अब झूठ बोला इतने जगह नहीं बोलता, आएगा दोबारा करेंगे तो नहीं आता नहीं आता। कैसा सब क्या यकीन मानेंगे तेरा, हम कैसा यकीन मानेंगे? नहीं मैं तोबा तोबा करके जाता हूँ, नहीं आता चलने देता सीधा सीधा चलने दे तो सब कुछ नहीं, तेरे 2 टुकड़े करो, नहीं अब कुछ भी नहीं करता, चलने देगा सीधा। हाँ चलता सीधा यहाँ से बोल। हाँ कब से सीधा चलने देगा उसको, कितने देर से? 2 घंटे के बाद चलना, 2 घंटे के बाद। सही बोल रहा, झूठ बोल रहा? सही बोल रहा, पूरा जला के रख करा दूंगा। सही बोल रहा, सही बोल, सही बोल रहा, सही बोल, सही बोल रहा। वो पैर से मौता जादू को मरना है। चल तोबा तोबा कर जल्दी मुंह मार के जोर से, आवाज जबान से बोल तोबा 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 नहीं आता जोर से, अब तोबा 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 नहीं आता आपसे, हो तो गई शैतान की मनमाने, आप नहीं दिखना मुझे शैतान के, तुम्हारे कमबख्तों नालायकों गलती हुई आपसे नहीं आता। हल तो कर जल्दी जोर से, छोड़ उसको, निकल बाहर, उसके सारे तकलीफा बीमारियां लेके, और नहीं निकलेगा तो अभी तेरे उतारे करा के जला के राख कर दो तेरे को कम वक्त। चल भाग भाग भाग। आए जलील, अब्दुल जलील, पानी डालो गिलास में। ये बाटल में का पानी सुबह शाम दो टाइम मुंह पे मारते रहना, हर नमाज के बाद में पैदल कुर्सी उस चारों फूल पड़ के दम करना, पानी उसमें का पिलाना, इसमें का चेहरे पे मारते रहना सुबह शाम। ये कैमरा चालू रख रहे, चालू छे, दो टाइम ये पानी मारते रहना, 5 टाइम 2 टाइम जितने भी हर नमाज के बाद मारते भी तो अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कर लो, पानी इधर दम करके पिलाते रहना, चारों खुल और आयतल कुर्सी 7-7 बार पढ़ के हर नमाज के बाद में दम करना उसमें। ओए पानी पियो, अरे क्या होगा, पियो पानी पियो। कहाँ से आए थे? तड़ोला। हाँ तड़ोला। कहाँ था वो? मसूदा कल्याण के पास। अभी यहाँ सवाल जो आप करे तो कुछ याद है क्या? हाँ? नहीं। कुछ याद है क्या? क्या हुआ सवाल जवाब क्या हुआ? ठीक है चल, कैमरा घुमा इधर, उधर से घुमा पूरा सा कैमरा फिर मेरे तरफ लेके लेके वैसा मत ठहर रहे। ये जो दास्तान है, ये भी जो आया था ये शय, ये इन्होंने कहीं से उठा के लाए, कुछ प्रस्थान से पकड़ के लाके आम में डाल दिया, उन्हें बयान कर रहा कोई तो पार्टनरशिप की कुछ पार्टनर आते बोलते क्या वो मसला इसमें रिकॉर्डिंग में सुन लो, शायद इनकी जबानी तो ये बता रहे थे कि वो कुछ पैर के नीचे की मट्टी वट्टी क्या ले जाकर जादू कर दिए थे, फिर उनको चलने नहीं आना पेशेंट को, फिर उसके बाद में वो धीरे 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 तबाही होके पूरी तबाही हो जाना। कई वो कर रहे थे बोलते तरक्की कर रहे थे, उन्हें आगे तरक्की नहीं होना बोल के रुका दिए थे। तरक्की पे अगर एक दूसरों के जलेंगे तो फिर तुम्हारी भी तरक्की नहीं होगी। हसद और जलन जिसके दिल में रहेंगी उसकी तरक्की नहीं होती। दूसरा अगर तरक्की कर रहा और तुम देख के बोल रहे अरे उन्हें कैसा आगे बढ़ा, उन्हें कैसा गाड़ी लिया, कैसा बंगला लिया, कैसा घर खरीदा, कैसा उसने जो भी उसका अच्छा कैसा हो रहा, ऐसा सोच के तुम उस पर जलेंगे तो यकीनन तुम भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर हसद और जलन आ गई। यानी कि तुम उसको बर्बाद कर रहे हो मगर तुम्हारे अंदर उससे बड़ा शैतान आके बढ़ गया, और वो शैतान तुम्हारे को तबाह बर्बाद करेगा, तुम्हारी आखिरत दुनिया सब। क्योंकि 70,000 फरिश्ते जिसको झुल्ला देते थे अज़ाज़ील को, हुक्म खुदा ना माना तो फिर यूं हो गया ज़लील कि लानत का तौख अपने गले में पिना दिया उन्होंने। शैतान इतना, अज़ाज़ील इतना बड़ा, उसको मकामात मिलते गए, इबादत की वजह से बुलंद होते गए कि फरिश्तों का सरदार मुकर्रर हुआ। बाद में जब उन्होंने एक हुक्म नहीं माना और उसका हसद और जलन ने उसको क्या करी, फिर उसके दिल दिमाग में हसद जलन आ गई, फिर क्या आलम हुआ, फिर उसको मरदूद बनाकर जमीन पे फेंक दिया गया। तो इसलिए तुम भी अगर ऐसी हरकतें करोगे एक दूसरे पे जादू, तो तुम में और शैतान में इब्लिस में क्या फर्क रह जाएगा, क्या फर्क रहेगा। किसी को अगर अल्लाह ने नवाजा, किसी ने गाड़ी लिया, बंगला लिया, घर लिया, तो उसको क्या बोलना, सबसे पहले जबान से माशाअल्लाह बोलना कि अल्लाह की क्या शान है, माशाअल्लाह बोलो, सुबहानअल्लाह बोलो, सब ये बातें तुम आप बोलने के लिए दिया। डायरेक्ट अम्मा अब्बा देख के नजर लगाने का वो नहीं है ना किसी की चीज को। अब दूसरी बात नजर का तो छोड़ दो, तुम डायरेक्ट बुरी नजर डाल दे रहे हो उसकी चीज पे, कोई भी तरक्की कर रहा तो उसको बर्बाद कर दे रहे जादू टोने करके। क्या मुंह बताएंगे अल्लाह को, ऐसा मुंह बताने वाले क्या मरने के बाद में, बेगैरत हो, शर्म करो। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर तुम ऐसा किसी को देख रहे हो, मैं तुमको बता रहा हूँ दुनिया वालों सुनो ये बात, अगर तुम्हारे चचा ने, फूफा ने, ताया ने, भाई ने, पड़ोसी ने, अड़ोसी ने, किसने भी तरक्की करा तो देख के बोलना कि उन्हें कोई भी चीज बता दो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुमको नवाजा और नवाजे, खुश होना। तो तुम जाके जानी मास पे ये बोलो कि अल्लाह तूने उसको कार दिया, उसको बंगला दिया, उसको ट्रक दिया, हमको भी दे, क्या अल्लाह तुमको नहीं दे सकता, क्या तुम अल्लाह से नहीं मांग सकते। हसद और जलन करने के बजाय जाके तुम जानी मास बिछा के मांगो ना अल्लाह से कि अल्लाह के खजाने में देर है मगर अंधेर नहीं है, जो देता है खुशी से, कहता नहीं किसी से, वो जात है अल्लाह की। और तुम दुनिया वाले के पास मांगने को जाएंगे ना 1 से 2 बार, पहली बार रोते रोते देंगे, दूसरी बार मुंह छुपाएगा, और तीसरी बार तुम्हारे डायरेक्ट भिखारी बोलेगा, वो भिखारी आगा मेरे पास उधारी मांगने को, वो भिखारी आगा मेरे पास, ऐसा बोलेगा वो। और अल्लाह तुमको भिखारी नहीं बोलता, अल्लाह खुश होता, अल्लाह बोलता मेरा बंदा जितने बार मांगेगा मैं उतने बार उसको नवाजूंगा, खुश होकर नवाजूंगा। तो ये अल्लाह की ज़ात, अल्लाह से मांगो। और किसी का देख के चिड़ो मत, हसद और जलन को दिल में मत पालो। तुम्हारे दिल के अंदर हसद और जलन पल रही ना तो समझो वो तुम्हारे को, वो जो हसद और जलन है, वो जो चिड़ है दिल के अंदर, तो तुमको इबादत से रोकती। वो चिड़ तुम्हारे को बुरे कामों की तरफ ले जाती, नेक कामों के नेक राहों पे नहीं ले जाती, रोक देती। उसको तो नफ्स बोलते हैं ना, सिर्फ नफ्सी नफ्सी। उस पर कंट्रोल पाने का सीखो, उस पर कंट्रोल पाओ तुम। अगर उस पर कंट्रोल पाएंगे, इबादत कर करके उसको कंट्रोल में रखेंगे और नफ्स को एकदम मुर्दाड़ कर देंगे, उसको मरने में शामिल कर देंगे, उसकी पूरी शक्ति खत्म कर देंगे, तो तुम्हारी रूहानी पावरफुल हो जाएंगी। और तुम्हारी रूहानी पावरफुल हो गई तो तुम जन्नत के हकदार हो गए, दुनिया व आखिरत तुम्हारी दोनों सवर गई। क्योंकि रूहानी जो रहती है वो रूहानी पर तो आजाब होने वाला, रूहानी पे तो फैसले होने वाले। इसलिए रूहानी को मजबूत बनाओ, और रूहानी तुम्हारी मजबूत रहेंगी तो तुम पे कोई जादू टोना भी नहीं चला सकेगा दुनिया में। और रूहानी जो मजबूत नहीं है, नफ्सी नफ्सी, नफ्स तुम्हारे पे काबिज है, नफ्स तुम्हारे ऊपर हावी है, तो फिर तुम्हारे को कहां से जादू भी चलता तुम्हारे ऊपर, तुम परेशान भी होते, फिर तुम दूसरे का देख के चिढ़ के उस पे भी जादू चलाने को करते, और तुम्हारी दुनिया भी जाती, आखिरत भी जाती, सब बर्बाद हो जाती। तो इसलिए किसी का भी कुछ देखो तो कहो कि अल्लाह तुझे और नवाजे। और अल्लाह को जाके बोलने का, उसको गाड़ी दिया तो हम आपको उससे बड़ी गाड़ी दे, काहे को नहीं देगा, तुम्हारा मालिक रहमान और रहीम है, कैसा नहीं देता। तुम मांगो ना, तुम्हारे पास मांगने वाली जबान बनाओ, मांगने वाले दिल बनाओ, मांगने वाले हाथ बनाओ, उठाने वाले उसके सामने। जब तुम उठेंगे ताज्जुद में उसके सामने हाथ, तो बरोबर अता करेंगे। नहीं अता करा क्या? तुम्हारे बाप दादाओं को हुकूमतें अता करा था अल्लाह ने, हुकूमतें। पढ़ो तारीख, गुलाम थे, गुलामों को सब बन के जंजीरों में डाल के लाके बिकाए बाजारों में, मगर तहज्जुदों में अल्लाह से दुआ करके बादशाह बने, सम्राट बने। मामूली मामूली बच्चे, जब तुम्हारे बाप दादा थे वो तुम उनके नस्ल है ना, मुसलमान हो गए, तुम्हारे कहीं ना कहीं रिश्तेदारी चूंगा ना ऊपर, जो बाप दादा अजदाद कोई ना कोई होंगे, तो बच्चों को जब गुलाम बना बना कर, पढ़ो ना तारीख, पता चलता कौन कौन से बादशाह गुलाम बना के फरोख्त किया गया था बाजारों में सब। बाद में उनके इबादत के वजह से अल्लाह ने उनके इबादत का सदका उनका ऐसा नवाजा कि उन्होंने ताजुदों में अल्लाह से दुआ करे बादशाह बना, तो अल्लाह ने उनको सम्राट बनाया था, सम्राट। इतने बड़े बड़े बादशाह बने थे। तो तुम आपको गाड़ियां, घोड़े, बंगले, ये चीज नहीं दे सकता क्या अल्लाह? पढ़ो और अल्लाह से मांगो, मांगो उसी से जो देता है खुशी से, कहता नहीं किसी से, वो जात है अल्लाह की। और तुम जाएंगे दर बदर लोगों से मांगिए तो दुनिया तुम आपको भिखारी बोलेंगे 102 बार। तुम अपने रिश्तेदारों को, सगों का भी जाके मांगेंगे तो भी तुम आपको 2 बार देंगे, तीसरी बार भिखारी बोलेंगे। बाकी अल्लाह के पास तुम करोड़ों हजारों बार मांगो, तुम हजारों बार खुश हो क्या अता करेगा अल्लाह, दुनिया व आखिरत बना देगा तुम्हारी। इबादत की रस्सी को इस वास्ते बोलते हैं ना, मजबूती से थामो। हदीस कुरान पढ़ो, ये सब चीजें पढ़े तो समझ में आता, जहन में बैठता दुनिया में कैसा जीना और कैसे तरीका है दुनिया को जीने का। हदीस और कुरान को फॉलो करेंगे तो दुनिया जीने का सलीका और तरीका आएगा तुमको, फिर तुम्हारी आखिरत भी सवार जाएंगी, दुनिया भी सवार जाएंगी। और नफ्सी नफ्सी करेंगे और नफ्स तुम्हारे पे काबिज हो जाएंगी तो खत्म। फिर तुम, नफ्स क्या है, रूहानी क्या है? नफ्स जो तुम आपको नमाज से जाने से रोक रही, जो तुमको नेक काम करने से रोक रही, कुरान पढ़ने से रोक रही, बोल रही अभी आराम करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद कुरान पढ़िए। मोबाइल देखो 50 घंटे, तुम्हारी नफ्स तुम्हारा मोबाइल देखने लगेंगी, थकेंगी नहीं मोबाइल देखने में। कुरान पढ़ने का सोचो, तुम्हारी नफ्स तुम पे काबिज है, तुम्हारी नफ्स कुरान के नजदीक ले जाएंगी, तुमको बोलेंगे अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, कहीं को अभी नहीं, थोड़ी देर से पढ़ेंगे ना, 10 मिनट पढ़ेंगे, जल्दी लपट के रख देंगे। तो ये नमाज को भी जाएंगे, जल्दी जल्दी सजदे मारेंगे, जल्दी आगे मोबाइल खेलते बढ़ जाएंगे। यानी कि तुम्हारा जो, तुम्हारी जो दुनिया की तरफ खींचती जा रही हो नफ्स है, और नफ्स तुम पे ज्यादा काबिज है, और रूहानी को तुम कमजोर कर दे रहे अपने हाथों से। अपने हाथों से रूहानी कमजोर हो जाएगी तो तुम्हारी दुनिया आखिरत सब गई। और रूहानी पावरफुल रहेंगी तो तुम्हारी दुनिया भी बनी, आखिरत भी बनी, इबादत भी हुई, सब होता, और कोई जादू टोना भी नहीं चला सकता तुम्हारे ऊपर। और नफ्स काबिज रहेंगी तो फिर नफ्स क्या करती, ख्वाहिशात, ये लो वो लो, ये सुकून आराम हर चीज में, और वो नफ्स हावी हो गई। और नफ्स हावी हो गई तो फिर खत्म, तुम्हारे क्या बोलते रूहानी कमजोर हो जाती है और तुम फिर जहन्नुम के हकदार बन गए। बहुत सारी बातें अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। क्या बोलूं मैं, बोलने को बहुत कुछ है, मगर ये वाला जो शैतान है ये लगे वाला नहीं है। लगे वाला रहता तो चले जा बोले तो चले जाता था निकल के, ये क्या बोल रहा, मैं जाता हूँ तो भाई नहीं, चाल बाजा कर रहा, हर इलाज वालों के सामने जा जाके जाता हूँ बोल रहा, फिर आ रहा। इसको जला के राख करना पड़ता है, लातों का भूत है, हाथों से नहीं मानने वाला है, इसलिए इसको राख करने के तरीके रहते हैं, अमल होता है उसमें जल के राख होता हो। खैर, इबादत के रस्सी को मजबूत इस्तामना, कुरान याद करो, हदीसें याद करो, ये सब मामूल बनाओ घर के अंदर पढ़ने का। हर नमाज के बाद कोई भी एक जिक्र पढ़ने का मामूल बनाओ। जिक्र से कोई पागल नहीं होता, अल्लाह के लौ में इबादत करने से, कोई तहज्जुद पढ़ने से भी पागल नहीं होता। तुम नफसी इबादत में भी अगर तुम नफसी करेंगे तो पागल हो जाते हैं। यानी कि मैं जिन्नात लेने जा रहा हूँ, मैं मौत के इलाज ताबे में लेने जा रहा हूँ, और मैं ताबे में लेके पूरी दुनिया का इलाज करूंगा बोले तो फिर वो क्या हो जा रहा हो, तुम्हारी नफ्स तुम पे काबिज हो जा रही। और तुम अगर अपनी रूहानियत, अल्लाह के लौ में इबादत करेंगे तो तुम पागल नहीं होते। तुम तहज्जुद में पढ़ो, तुम जिक्र अस्कार कितने भी करो अल्लाह के लौ में। दो फर्क है यहाँ, जमीन और आसमान का फर्क है इबादत में भी। तुम अगर इबादत जिन्नात और मुक्किल के लिए करेंगे तो यकीनन तुम पागल होंगे और यकीनन तुम फटके पड़ेंगे और यकीनन तुम पागल होकर फिर रोडों पे फिरेंगे। और तुम अगर अल्लाह के लौ में इबादत करेंगे, यहाँ देखो खाली नीयत पे दारो मदार है। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्निय्याति, तर्जुमा सारे अमल नियत से है। क्यों बोला फिर अल्लाह ने? तुम इबादत में भी अगर दो तरीके से, अगर तुमने खाली इबादत में इतनी नियत कर दिए तुम्हें जिन्ना शैतान मोकिल ताबे में लेने बैठ रहा हूँ बोल के इबादत तुम अगर कर रहे मोकिल जो भी कि तुम पागल होना ही होना है। और तुम अगर कोई जिन्ना शैतान मोकिल किससे कुछ लेना देना नहीं, खाली अल्लाह के लौ में इबादत कर रहे तो फिर यकीनन तुम्हारी दुनिया बनती है, आखिरत बनती है और कोई तुम्हारे बाल को बाका भी, बाल को तुम्हारा खरोश भी कोई ऐसा धक्का भी नहीं लगा सकता। ये खुदा की कुदरत है। अब ये बातें मैं नहीं बताऊंगा तो तुमको कौन बताएंगे, क्योंकि मेरे को तुम लोगों से ज्यादा बाल से बारीक बातें मालूम रहते हैं। और दूसरी एक बात अहम के अब तुमको ये तो पता ही नहीं थी ये बात, अब ना तुम्हारे बहुत सारे पड़े वाले ढक्कल पास मौलवियाँ जो है खाली फितने और फसादात फैलाने में लगे आले कौम में, तो ढक्कल पासों को भी कुछ नहीं मालूम है, खाली खाते पेटा बड़े बड़े करके लेकर रोड पे फिरते, उनको तच काम है, कुछ भी दिल के फतवे देते हैं, उनको भी नहीं मालूम बाल से बारीक बातें बहुत बारीक बारीक। तुम अगर नियत करके जरी सी पढ़ रहे तो फिर वहां पे तुम पागल होते हो, और अगर अल्लाह के लौ में पढ़ रहे तो फिर कुछ भी नहीं होता तुम्हारा। बहुत बाल से बारीक बातें, अमल करो, अल्लाह कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। और ये बातें जहन से निकालो, मैं तहज्जुद पढ़ा तो पागल हो जाऊंगा, मैं तहज्जुद पढ़ी तो पागल हो जाऊंगी, कोई नहीं हो सकता। अल्लाह तुम्हारा निगहबान है और तुम अल्लाह के वास्ते इबादत कर रहे, और इबादत करने वालों को जैसा हथेली में रई का दाना कैसा देखता हो वैसा, तुम हाथ में हथेली में रई का दाना रख के देखते ना, तो वैसा अल्लाह तुम्हारा को देखता, फिर तुम्हारे को कौन जहमत पहुंचेगा, कोई जहमत नहीं पहुंचा सकता। तुम तहज्जुद अगर अमल अमलियात के नियत से पढ़ो तो मार पड़ेगी। इबादत राह अल्लाह की राह में पढ़ रहे, अल्लाह के लौ में पढ़ रहे, अल्लाह के लौ में पढ़ रहे, अल्लाह उसके रसूल के लौ में पढ़ रहे, फिर कुछ नहीं होता तुम्हारा, कोई ताकत तुम्हारे को जहमत नहीं दे सकती। ये सब बातों पे अमल करो, और कुछ भी अगर तुमको पूछना है पूछो, बताऊंगा मैं। अमल अमलियात भी दिल से नहीं करना, उसमें बहुत सारे बाल से बारीक बातें हैं। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। चलो।